तो दलिया के साथ गुड मॉर्निंग हो चुका है हम लोग का और मम्मी एज यूजुअल नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषभ ठाकुर के एक नए व्लॉग में। तो हम लोग बिल्कुल नहा धोके तैयार हो चुके हैं और सिर्फ ये नहीं होती और अभी बिल्कुल महंगे महंगे नींबुओं का शरबत पिया है तो बड़ी अमीर वाली फीलिंग आ रही है अभी। तो आज मेरा फेवरेट खाना बना एकदम कच और भात। कच मतलब होता है कि पकौड़े की सब्जी और मम्मी ने भी बोला कि ये मसूर दाल के पकौड़े की सब्जी है। मैंने चावल परोस लिया अपना, ये बहुत ज्यादा गर्म है, मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसका। बोले ना अभी पापा पापा बोल रहे हैं कि मम्मी धिया पुता जैसी लग रही है। धिया पुता मतलब छोटे छोटे बच्चे। सही में छोटे बच्चे लग रहे हो मम्मी, छोटे बच्चे। छोटी बच्ची हो क्या? कुछ बोलो तो हनी। देखिए मेरा भाई कितना थक गया बेचारा, सब काम करता है ये घर का, ड्राइविंग भी चलाना सीख रहा है। बेटा कितना मेहनत करते हो हनी तुम, और ड्राइविंग में हम ही लोग के लिए सीख रहा था कि हम लोग को लेके जाए घुमाने ये। अरे वो तो बस स्पेशली मम्मी बहाना है ना, एक बार आ तो जाए ड्राइविंग फिर जिसको घुमाना है घुमाएगा। समझ रहे हो। सुबह उठा मम्मी की तरह डांटने पे फिर सो गया। अजीब ही भाई तरीका। तो अभी 3:30 बज रहे हैं और मेरे ड्राइविंग क्लास का समय होने वाला है। 4 बजे पहुंच रहे हैं, 4 से लेके 5 तक क्लास होगी। आज देखते हैं आज क्या क्या सीखने को मिलेगा। बस क्लच इस बार अच्छे से छूटे वरना बेइज्जती हो जाएगी यार। तो गाइस फाइनली पापा का कॉल आ चुका है कि चलो चलते हैं। तो हमारा स्कूटी बहुत दिन से बंद पड़ा था, बहुत गंदा हो गया था। तो हमारी सोसाइटी में बहुत लोग साफ करते हैं, तो पापा नीचे गए साफ करवाने के लिए और पापा भी सीखेंगे स्कूटी। और समय हो गया, मेरे पापा को कॉल किया कि पापा समय हो गया निकले, और हाँ चलो आ जाओ नीचे चलते हैं यहाँ से। तो लेट्स गो, आज देखते हैं कि बहुत मजा आने वाला है। चप्पल नहीं जूते पहने थे, पहन नहीं जूते। सर ने बताया था कि चप्पल पहन के अभी मत सीखो, जूते पहन के ट्राई करो, क्योंकि चप्पल अनकंफर्टेबल रहता है, पसीने आते पाँव में, तो सीखने में बहुत दिक्कत देगा वो। तो अभी मैं अकेले आया हूँ, पापा नहीं आए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने बोला पापा आप घर में आराम करो, मैं जाता हूँ सीख के आता हूँ। तो भैया ने बोला कि कल और परसों क्लास नहीं होगा तो 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो ये थोड़ा सा मेन रोड पे चलाना है, बस थोड़ी दूर, उसके बाद जो ट्रेनिंग एरिया वहाँ पे जाना है हमें। बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ भाई, कैसे हो पाएगा? मैं शायद ही वीडियो बना पाऊंगा क्योंकि आज कोई नहीं आया मेरे साथ, तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है अपना। तो हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज मैंने मेन रोड तक पे गाड़ी चला ली, इतना मज़ा आया ना गाड़ी चला के। कल तो 10-20 बार गाड़ी रुकी, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज सिर्फ एक बार रुकी 1 घंटे में, मज़ा आ गया। थैंक यू भैया, आपने इतना बढ़िया सिखा दिया मुझे। ओ भाई आज 3rd गियर तक गाड़ी चलाई, मज़ा आ गया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, मैं रास्ते में उतर गया, मैं ना लॉन्ग रूट पर जाता काफ़ी। तो अब घर चलते हैं और पापा को बताते हैं कि आज कितना बढ़िया हमने गाड़ी चलाया। काश आज पापा होते ना तो पापा रिकॉर्ड करते। ओहो क्या गाड़ी चली गई आज, इतना मक्खन। कुछ तो झूठ बोल रहा है।
हे भगवान, मैं तो एक बार में देखो, कोई इज्जत ही नहीं है यार। आज मेन रोड से गाड़ी चला के मैं ले गया, उसके बाद प्रैक्टिस किया पूरा, रिवर्स गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, उसके बाद रिवर्स किया मैंने गाड़ी बिना किसी हेल्प के। गेट बंद कर, चल भाग। दैट्स लाइक ऋषभ ठाकुर। यस, अबे पी के बताओ, थोड़ा नींद में हो, कैसे आज का मुंह दिखाइए, मुंह दिखाइए। खट्टा हो गया थोड़ा, आम ही बहुत ज्यादा खट्टा था। कल मैंने एक बात बोली थी ना, ये आम इतने खट्टे हैं, इतने खट्टे हैं, इतने खट्टे जितने खट्टे हो सकते थे, लेकिन इतने खट्टे से ज्यादा और कितने खट्टे हो सकते थे। अब क्या हुआ था परसों? परसों इसको बोला था कि धीरे से क्लच को दबाओ, ये मारता था जोर से, 100 बार जोर से खाली क्लच से मार रहा था, क्लच मारता था, गाड़ी बंद हो जाती थी। क्लच मारता था कि छोड़ता था? एक बार बोला आपको कहीं जाना है। वो ना आज से बढ़िया गाड़ी चलाए रे, वो ना रे आज सही है, बढ़िया चला है मेरे। वो बोल रहे थे कि अंकल जी को होना चाहिए था, खुश हो गए। मम्मी वो आपके पति नहीं है, अंकल नहीं है, अंकल जी मिस हो गए। अरे जा, बहुत लेम बात बोलता है सनी तुम। सेम है, अरे लहंगा चेंज करा लो यहाँ, बेफालतू बात दे जोड़ी चल रही है। दूसरा कोई काम तो कहूँ। आज मम्मी कैसी लग रही है पापा? मम्मी कैसी लग रही है आज? मम्मी कैसी लग रही है? मम्मी तो आज मामा जी से लग रही है। सारा ह्यूमर ना तुम लोग को पापा से ही मिला ऐसा लग रहा है। अभी ना मैं पापा को यहाँ पे खड़ा करके iPhone 13 Pro Max और एक सोनी का कैमरा है उसका कंपैरिजन करवा रही हूँ कि क्या खरीदना चाहिए। पापा आप बताइए, आपको दोनों में से क्या बढ़िया लग रहा है? ये बोला क्यों, वो क्यों बढ़िया लग रहा है? वो साफ साफ दिख रहा है, ये तो कुछ नहीं होने दिख रहा है। ये इसको वो के बोलते हैं, कैमरा वाला उसी का तो पैसा लेता है जो पीछे ब्लर रहता है। पैसा लेगा ब्लर खींचता खींचेगा। अरे यार देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये चीज फोकस में बाकी पिक्चर, इसमें किस पे फोकस है पता नहीं चला। इसमें फोकस है बाकी ब्लर में। सुन तुमको जो लेना है ले लो, हमारा दिमाग पापा मुझे भी कुत्ता लेना है। तो गाइस मौसम तो कोई ठीक नहीं, अभी इतनी तेज आंधी आ रही है बाहर, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखा है एकदम, बहुत तेज हवा चल रही है। और अभी एकदम बढ़िया खाना पीना खाया, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था मम्मी आपने, हाँ मजा आ गया खा के। खाना बाहर से आया था। यो भाई, हाँ एकटा जोक सुना दिया। सुना दूं? यस सुना दिया। आज ही मैंने टीवी पे देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। एक चींटी और एक हाथी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, ठीक है, आरो तरीके। तो ना जब वो गिरे मोटरसाइकिल से तो ना हाथी को बहुत ज्यादा चोट आ गया, हाँ। और चींटी को बिल्कुल नहीं आया, बताओ क्यों? चींटी ने हेलमेट पहना था। भाई तुक्का मारा मैंने कसम से, क्या लेम जोक था ये। तो भी रात के 11 बज रहे हैं और खाना पीना खा के आ चुके हैं अपने रूम में, अब बस मेरा एक आखिरी काम बचा है, ब्लॉग एडिट करके अपलोड करना 8 बजे के लिए, तो बस वो करूंगा, दोबारा सो जाऊंगा। गाइस हमारे घर में जो पंखा है वो रिमोट से चलता है, उसका उसके अंदर लाइट भी है देखो, अब पंखा को कर देते हैं ऑन। अब लोग बोल देंगे ये तो आप जाकर देख रहे हो, मैं बहुत पहले ही देख लिया था, तब तो कितना मुंह अपने ऐसा हो जाएगा ना। और आप लोग को तिरंगा देख सकते हैं कि अभी हवा चल रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है, वो बिल्कुल फहरा रहा है। जब ये आंधी आ जाती है ना तब इतना मस्त लगता है ना, आह मजा आता है। और वैसे नॉर्मल टाइम में ना वैसे ऐसे ऐसे हो जाता है, जैसे ये आंधी आती है पूरा एकदम लहरा जाता है, खड़ा हो जाता है। हनी यस, कभी कभी सच्ची में लगता है कभी मैं भी स्मार्ट हूँ। ठीक है गाली क्यों दे रहा है, गाली देने लग गया था। नहीं 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 नहीं, तो भाई साहब आज भी भूल गया था ये एंडिंग करना, तो मैं आपको बोल देता हूँ अभी का व्लॉग खत्म हो चुका है, कल भी आप वेट करिएगा हमारे लिए, मतलब न्यू व्लॉग जब हम डाले तो वेट करिएगा हमारा कि देखने वो भी। और तो अभी के लिए हमें ना इजाजत दे दीजिए, बाय 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 बाय।